नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल आप हमारे स्क्रीन के पीछे यह देख रहे होंगे, ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है। पार्क यानी छोटा सा जगह, इस ठीक पीएससी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा के एकदम जस्ट सामने में यह पार्क है। हमें यह चीज़ इसलिए लगा कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं, ताकि आपने भी कई जगह घूमा होगा आज गणतंत्र दिवस के दिन पर। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अचरज दिखाएंगे यहाँ, अचरज यही इसीलिए कहा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो नाइट गार्ड है यानी कि रात्रि पहरी, श्री कुलदीप दास जी के द्वारा इसको इतना सौंदर्यकरण किया गया है, जो यह दिखाने को मन किया कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। यहाँ समय अभी के समय में एक मिनट का किसी के पास नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे। ये जो हरा कलर देख रहे हैं ना आप, और हम रात के ठंडी में बिस्तर पे सोए होंगे रजाई पर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं कि रात के 1:30 बजे तक इसको ये अपने से अकेले इस ठंडी में इस कुहासे में इसको रंग रहे थे। यहाँ के लोगों का बताना था, आप देख लीजिए कि रात में यहाँ जब ड्यूटी के दरमियान अकेले बैठे रहते थे तो इस चीज़ को लिख रहे थे, वंदे मातरम द्वार राष्ट्रभक्तों का स्वागत करता है। स्लोगन आप पढ़ते जाइएगा, हम एक एक चीज़ आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। देखिए, भारत माता की जय बोलो, ये देखिए यहाँ लिखे हैं, आचरण सबसे बड़ा दौलत है, इन्हें गंवाना नहीं, आप इन्हें संयोग कर रखवे, दौलतमंद बनिए। बहुत सारा स्लोगन है, आप देखिए, बच्चे से आगे बढ़े जो खतरे में पांव पड़े थे वो बच्चे सबसे अच्छे, बढ़ती आबादी रोकेगा कौन, भयंकर खतरा है सभी बैठा है मौन, देश दुनिया के लोग बढ़ती आबादी का खतरा रोको। ये दूसरा देखिए, जब तक करोगे मदिरा पान तब तक करेगी पुलिस परेशान, ये बहुत अच्छे अच्छा स्लोगन यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये सब भी हम भारतीय हैं, हमारी अपनी भाषा पहनावा। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और गंभीर समस्याएं, ये सब चीज़ है। और दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं कि आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये जितना भी कलर किया गया है, ये कुलदीप बाबू रात्रि पहरी में मैंने रात के समय ऑन ड्यूटी अपना करते रहते हैं, ये कौन अभी के समय में करता है साहब। और इसमें जितना भी चीज़ है लगभग सब अपने जेब से वहन किए हैं, ये अभी के समय में कौन करता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग आज भी हैं जो कि अपना कमाई का पैसा ये सब चीज़ों पे खर्च करते हैं, इससे कुलदीप बाबू को क्या हासिल होगा, ये उनसे ही पूछेंगे। फिलहाल आप देखिए, ये सारा चीज़ कुलदीप बाबू अपने से किए हैं, मट्टी से भरे हैं इसको, सारा चीज़ किए हैं, आप देख लीजिए, ये झंडा वगैरह सारा चीज़ कुलदीप बाबू के द्वारा ही किया गया है। यहाँ तक कि ये देखिए, ये पेड़ पौधे, ये जितना चीज़ है, ये सारा एक नाइट गार्ड किए हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये सीख देने वाली बात है कि साहब कुछ लोग अभी भी हैं जो देश के प्रति इतना अच्छा सोचते हैं और करके दिखाते हैं। हमें लगा कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। आप देखिए कि ये जितना भी यहाँ प्लांट है, ये सारा चीज़ कुलदीप बाबू, जो भी गमला है सारा कुलदीप बाबू अपने पैसा से खरीद कर लाए हैं, यहाँ तक कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये पेड़ में जितना भी आप कलर देख रहे हैं ना उजला, ये जितना भी कलर यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सब कुलदीप बाबू अपने से किए हैं साहब, किन्हीं से हेल्प नहीं लिए हैं। और भी हम बताते हैं, अंदर में जो गमला है ये लगभग 50% गमला अपने पैसे से खरीद कर, उसको रंग कर, उसमें पेड़ लगा कर कुलदीप बाबू ने ही किया है। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को आँख खुले। लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मी सब खराब है, नहीं साहब, कुछ लोग आज भी हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत ये जितने भी संस्थान हैं, ये कुलदीप बाबू जैसे लोग ही हैं जो कि इनके ही दम पर चल रहा है। नहीं तो भैया आज कौन देखता है, किसको फुर्सत है, नाइट गार्ड हो तो रात में सो जाएगा, क्या दिक्कत है, चोरी होगा FIR हो जाए, उसको क्या पड़ा है ये सब करने का, ये सवाल है ना, क्या पड़ा है कुलदीप बाबू को ये सब करने का। लेकिन इनका मन किया कि हम जो समय रात में बचता है ड्यूटी में, प्रहरी का मतलब पहरा देना है, पहरा करने के दरमियान ही ये सारा चीज़ किए हुए हैं, इससे अभी हमको लगा कि ये चीज़ को दिखाएं ताकि लोगों का पट्टी खुले। फिलहाल चलिए कुलदीप बाबू से बात करते हैं, और उनका जो दिल की बात है वो हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप दास। क्या है यहाँ पे? हम रात्रि प्रहरी हैं। रात्रि प्रहरी
अच्छा लोग रात में तो यहाँ आता, दूसरा आदमी रहता तो खराटा मार के सोता, लेकिन आप एक एक बजे रात, दो दो बजे रात तक काम किए हैं यहाँ, क्यों किए हैं? हम चाहते हैं कि लोग समय का बर्बादी न करें, समय का सदुपयोग करें। हमारा कहना है कि बैठे से बेगार भला। जो आदमी बैठे हैं समय को गंवाते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और हमें खुद भी ये अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बेस्ट जो समय बचता है हमारा रात्रि प्रहरी के अलावा, रोगों को, रोगी को देखने के बाद, देखने डॉक्टर को बुलाने के बाद, मैं इसी थिंकिंग में लगा रहता हूँ कि समय मेरा नहीं गमे। इसीलिए मैं ये सब प्रयास करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भारतीय जो हैं इस समय का सदुपयोग करें, तभी हमारा भारत सुंदर भारत बनेगा, देव संस्कृति की भारत बनेगा, है कि नहीं? लोग ईमानदारी से चलें, जो कर्तव्य है सभी लोग अपना पालन करें, मैं ये चाहता हूँ। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम लोगों पर निर्भर करता है, तो हम लोग यदि उनका अनुपालन न करें सरकारी आदेश का पालन का, तो हमारा देश सुंदर नहीं हो सकेगा और हम लोग कलंकित होंगे। तो हम लोग कलंक से दूर रहना चाहते हैं। जो अच्छा, इतना अच्छा अच्छा विचार जो है आप किताब से पढ़ के लिखे कि अपने मन से ये सब मेरी अपनी मन की भावना है, और जैसे मन में आया मैं वही बात लिख दिया। अच्छा, ये सारा चीज आप खुद से किए? जी जी जी। अच्छा, वो मट्टी वगैरह जो भी भरे हैं खुद से किए? जी, मैंने अपने खुद भरा हूँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से आया? वो हमारे मन में ऐसा ही भाव आता जो जगते रहता है कि मैं कुछ अच्छा से अच्छा करूँ, है कि नहीं, ताकि सबको अच्छा लगे, है कि नहीं? अच्छा, तो ये यहाँ पर आज झंडा तोलन आप खुद किए? हाँ, सब लोगों ने बोला कि आप ही को फहराना है कुलदीप बाबू, आप ही को फहराना है। सभी का आग्रह देखते हुए हमें झंडा फहराना पड़ा। तो कैसा लगा जब आप इतना अच्छा काम किए, यहाँ का लोग ने भी कहा कि आप ही को फहराना है? हाँ, तो कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा कि लोग हमको सपोर्ट करते हैं, कि हमारा काम अच्छा कुछ हो रहा है। हमको थोड़ा तसल्ली हुई कि लोग हमको, मेरे काम को अच्छा समझते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं कि सभी लोग बोले कि आप ही झंडा फहराइए। अच्छा, आपको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो बैठ के, जिनको नौकरी है अब बैठ के टाइम पास करते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम तो चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति एक अलग है। हम भारतीय सभ्यता को जगाएं और उसको संजोगें और बेहतर भारत बनाएं। अच्छा, और ये जो जितना प्लांट लगा है या हॉस्पिटल के अंदर में भी गमला है, प्लांट है, ये सब पैसा आप कहाँ से? वो अपने वेतन से भी लगा देता हूँ, कभी कभी कुछ लोग दे देते हैं उपहार स्वरूप, 10 टका 5 टका दे देते हैं हमको, वह रख लेता हूँ स्वेच्छा से। मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ कि इतना 50 टका दो, 10 टका दो, है कि नहीं? ऐसा नहीं, जो स्वेच्छा से मिल जाता है वो अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, और अपने पैसा से ही आप जी 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 मन को शांति मिलता है। हाँ, ये हमको बहुत शांति मिलती है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप।